सो दिस इज़ योर 14th क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स हैं देखो कैसी हैं मल्टीप्लिकेशन में, राइट? तो हम भी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ही टर्म्स लेंगे. तो सबसे पहले हम n को 1 पुट करते हैं. तो n को 1 पुट करने का मतलब फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड में n को 1 पुट करें तो 2 इज इक्वल टू 2, बिकॉज n इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट टर्म. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 k. सेकेंड स्टेप में n को हम k डालते हैं. अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व मत कर देना कि हम इसे सॉल्व कर दें कि 1 प्लस हाफ 3 बाई 2 आ रहा है. नो, यू हैव टू राइट इट एज इट इज, k प्लस 1. लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1. थर्ड स्टेप में ही मेन आपको प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस था किसका, कि टर्म्स एडिशन में ना होकर मल्टीप्लिकेशन में है. तो ये k प्लस 2 हो जाएगा. वी हैव टू स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस 1 अपॉन 1 एंड सोन. दो टर्म्स बहुत है, नो नीड टू राइट द थर्ड टर्म. इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, जो इसकी लास्ट टर्म है सेकेंड स्टेप की, 1 प्लस 1 बाई के. मल्टीप्लीकेशन में है तो हम भी मल्टीप्लीकेशन में ही लिखेंगे, इन टू 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1. यहाँ हम मिस्टेक करते हैं, गलती से प्लस डाल देते हैं. ध्यान रखना हर टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, सो वी हैव टू पुट द मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट ये सेकेंड स्टेप से वैल्यू डालेंगे इसकी, दैट इज़ के प्लस 1, और ये है 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1. तो ये एज इट इज इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे. तो के प्लस 1 प्लस 1 ये तो कट गया, दैट इज के प्लस 2. डायरेक्टली वी गेट राइट हैंड साइड. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1. स्टेप्स ज़रूर लिखना, स्टेप्स के नहीं तो मार्क्स कटते हैं. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 14. क्लियर?